लास्ट टाइम जो चीज़ हमने देखी थी वो ये थी कि हमने ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट की थी। आज हम ई ओवर एम में से ई की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद जो चार्ज है उसको हमने आज मेजर करना है, और किस मेथड के थ्रू करना है। मिलिकन वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड इन साइंस, साइंस के हवाले से मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ी आसानी से समझ आने वाला है और ऑथेंटिक है। टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड क्या था, क्या एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स क्या थी, वो हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। तो हम लेट्स गेट टू द डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये आपके पास जो है एक डायग्राम है जो कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड को शो कर रही है। इसको अगर आप देखें तो सबसे बाहर जो है ये दिस इज़ अ चैम्बर। चैम्बर के अंदर अगर आप ये येलो कलर की दो प्लेट्स देखें, ये बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ब्रास प्लेट्स हैं, ये ब्रास की बनी हुई इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड प्लेट्स हैं। दीज आर द टू इलेक्ट्रोड्स। जो अपर इलेक्ट्रोड है उसके अंदर एक पिन होल मौजूद है। पिन होल का मतलब है बहुत ही छोटा सा होल, वेरी स्मॉल साइज का जो है आपके पास उसके अंदर एक होल मौजूद है। यहाँ पे देखें अगर आप, तो दिस इज एटमाइजर। एटमाइजर एक ऐसी डिवाइस होती है कि जो किसी भी लिक्विड को उसके अंदर मौजूद एक फाइन ड्रॉपलेट्स के चक्कर में, फाइन ड्रॉपलेट्स का मतलब है बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के की शक्ल में जो है ये स्प्रे करवाता है एटमाइजर। आपके एक एटमाइजर लगाया हुआ है ऑयल का, ये आपका ऑयल है। ऑयल का एटमाइजर जो है ऑयल को छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स के शक्ल में स्प्रे करेगा। ऑयल स्प्रेड इन फाइन ड्रॉपलेट्स, ये आपका एटमाइजर है। नीचे आए, दिस इज़ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की आईपीस है, यहाँ पे आपने ह्यूमन आई जोन सी है वो प्लेस करनी है। यहाँ से आपने इसको देखना है ऊपर से आने वाले ड्रॉपलेट को, ठीक है। दिस इज़ द विंडो। ये विंडो का क्या काम है, यहाँ से हम एक्स रेज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं वो भी हम आगे चल के स्टडी करते हैं, अभी हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें। तो दिस इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर। एक चैम्बर, चैम्बर के अंदर दो प्लेट्स जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं, उनके अंदर ऊपर वाली प्लेट में एक पिन होल है। नीचे एक विंडो से एक्सरेज को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दोनों प्लेट्स के दरमियान में टेलीस्कोप का आईपीस मौजूद है जहाँ से आप उस ड्रॉप को विजिट करेंगे, स्टडी करेंगे। और ऊपर अपर चैम्बर में जो है आपके पास एटमाइजर है ऑयल का जो कि फाइन ड्रॉपलेट्स की शक्ल में ऑयल को स्प्रे करेगा। अब होगा क्या, होगा ये कि जब आप ऑयल को स्प्रे करेंगे तो छोटे छोटे जो उनसे ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं वो पूरे एरिया में स्प्रे होंगे, लेकिन इस प्लेट के ऊपर गिर जाएंगे। कुछ एक ड्रॉपलेट्स ऐसे होंगे जो कि इस पिन होल में से पास करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिक जोन सी है, फील्ड है। अब जैसे ही आपका जो है ड्रॉपलेट इस फील्ड के अंदर आएगा तो वो टेलीस्कोप में नज़र किस तरह का आएगा, इट विल बी शोन एज अ ब्राइट स्पेक। एक ब्राइट सा स्पेक होता है वो छोटी सी कोई चीज़ जो कि ब्राइट होगी अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। आपको जो ड्रॉपलेट है वो एक ब्राइट स्पेक की शक्ल में नज़र आएगा जिसका पिछला बैकग्राउंड जो होगा वो क्या होगा, डार्क डार्क बैकग्राउंड।
ओके अब क्या करेंगे आप उसको देख रहे होंगे अपने माइक्रोस्कोप्स अपने टेलीस्कोप के आईपीस से। अब ये जो आपका ड्रॉपलेट है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, ये आपका ड्रॉपलेट है, इट विल बी मूविंग डाउन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर जो है आपका जो वो है ड्रॉपलेट वो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा उस सूरत में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपकी ऑफ है, आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन नहीं किया। आपका जो ड्रॉपलेट इस सुराख से अंदर आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑफ होने की मौजूदगी में आपके ग्रेविटी के अंडर जो है ये नीचे की जानिब मूव करेगा। अब जो एक बॉडी नीचे की जानिब मूव कर रही है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एक रिलेशन बनेगा। सपोज मैं कहता हूँ ये वी वन है तो वी वन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट, ग्रेविटी के अंडर मूव कर रहा है तो ये एम जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज अवर इक्वेशन वन। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? ओके अब लेट मी क्लियर दिस। आगे आप ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी जो है ये आ गई, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम जी, ये इक्वेशन नंबर वन है। अब हमने क्या करना है, अब आपको पता है कि मास एंड जी जोन सा है ये ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, मास उस ड्रॉपलेट का मास है और ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, हमने इस चैम्बर के अंदर मौजूद जोन सी गैस है, इस चैम्बर के अंदर मौजूद जोन सी गैस है उसको हमने आयनाइज करना है, आयनाइज द गैस इनसाइड द फील्ड, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में जो आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया है दोनों प्लेट्स के दरमियान, इसके दरमियान वाली एयर को हमें आयोनाइज करना है। आयोनाइज कैसे होगी, जब मैं इसकी विंडो खोलूँगा और एक्सरेज को अंदर जोन सा है वो पास आउट करवाऊँगा, एक्सरेज जोन सी हैं वो क्या करेंगी अंदर वाली एयर को आयनाइज करेंगी। जैसे ही आयनाइज करेंगी तो आपका जो ड्रॉपलेट होगा जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, ड्रॉपलेट क्या करेगा, विल टेक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन साथ में एस लिख दिया, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो आपका ड्रॉपलेट जो है वो टेक कर लेगा और क्या बन जाएगा, एक चार्ज्ड पार्टिकल बन जाएगा, इट विल बी अ चार्ज्ड पार्टिकल नाउ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऊपर से स्प्रे किया और कुछ एक ड्रॉपलेट्स जो से थे वो पिन होल से गुजर गए और अपनी वेलोसिटी के अंडर मूव करने लगे और ये इक्वेशन हमारे सामने आई। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर की एयर को आयनाइज करना था गैस को, हमने एक्सरेज दी, ये जो पर्पल लाइन है ये एक्सरेज हैं, एक्सरेज टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, उसको चार्ज करने के लिए। तो आपके ड्रॉपलेट ने चार्ज लिया और वो चार्ज पार्टिकल जो है वो बन गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऑन करना है। अब चूंकि आपके पास चार्ज पार्टिकल मौजूद है फील्ड के अंदर, अब आप अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले ऑफ थी अब वो क्या हो जाएगी, ऑन। अब आप उसको ऑन करेंगे, अब आप उसको करंट जो है वो देना शुरू करेंगे। अब क्या होगा करंट देने से, कि पहले जो ड्रॉपलेट नीचे मूव कर रहा था ग्रेविटी की वजह से, अब वो चार्ज पार्टिकल आने की वजह से वो ऊपर की तरफ जो है मूव करना शुरू करेगा। ये ऑयल का ड्रॉपलेट था, इसने इलेक्ट्रॉन लिया और नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। जैसे ही आपने उसको बिजली देना शुरू की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की, ये जो उनका चार्ज पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव बन गया, अब ये पॉजिटिव ऊपर वाली प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो अब जब ये ऊपर मूव करेगा तो एक नई वेलोसिटी जो है हमारे सामने आएगी, दैट इज़ कॉल्ड वी टू। अब वो वी टू की वैल्यू क्या होगी उसको हम देखते हैं, लेट मी क्लियर इट। यहाँ तक आई होप कि सारी चीज़ आपको जो है वो बड़ी क्लियरली जो है वो समझ आ रही है। अब हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज़ वी टू। अब जब भी एक बॉडी
अब ये फॉर एग्जांपल ऊपर मूव कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे से ग्रेविटी ने एक्ट करना बंद कर दिया है. ग्रेविटी जो एम जी की फोर्स है वो इस पर मुसलसल लगती रहेगी. लेकिन ये फोर्स अगर मैं कहता हूँ ए फोर्स है तो ओवरऑल फोर्स, अब ये ऊपर जा रहा है तो मेरे पास ओवरऑल फोर्स क्या होगी, ए माइनस एम जी. ये मेरे पास वी टू की वेलोसिटी आएगी ए माइनस एम जी, कि उसको जो नीचे खींचने वाली फोर्स है जब मैं वो उसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास उसकी वेलोसिटी आ जाएगी ऊपर जाने वाली. अब ये ए क्या है, ए हमारे पास आएगा उस फिज़िक्स के फॉर्मूले से. अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी, मैट्रिक की फिज़िक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही डेफिनेशन होती थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो अब अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो इट विल बी लाइक ई क्यू इज इक्वल टू एफ. अब हम ई ओवर एम में ई क्या है, चार्ज है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इस क्यू को अगर ई से रिप्लेस कर दूं तो इट विल बी ई ई. तो ये जो ए की वैल्यू है ये क्या है, ई ई है. तो हमारे पास जो नई इक्वेशन बनेगी वी टू की, दैट बिकम्स इक्वल टू ई इन टू स्मॉल ई माइनस एम जी. ये मेरे पास अब एक इक्वेशन नंबर टू जो है वो बन चुकी है. ये दो इक्वेशनें जौन सी हैं वो मेरे पास आ गई हैं. ई ई जौन सी है उसको ऊपर खींचने वाली फोर्स है और एम जी जो है उसको नीचे खींचने वाली फोर्स है. लेकिन अब वो चूँकि ऊपर मूव कर रहा है तो उसकी वजह ये है कि ये ई ई की वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर खींचने वाली फोर्स ज़्यादा है नीचे की निस्बत, इसीलिए वो ऊपर मूव कर रहा है. तो जब वो ऊपर मूव करेगा तो ये वैल्यू बड़ी होगी, इसमें से जब मैं ये माइनस करूँगा तो मेरे पास वी टू की वैल्यू जौन सी है वो आ जाएगी. यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सब कुछ. अब नेक्स्ट जो है, यहाँ तक जो है हमारा इसका काम जो है, इसकी डायग्राम का और ये सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसको अब मैं फ़ौरन थोड़ा सा समराइज़ करने लगा हूँ. एक चैम्बर था, अंदर दो प्लेट्स थी, प्लेट्स को हमने इलेक्ट्रिक चार्ज दिया हुआ था, यहाँ से आपने एटमाइज़र के थ्रू ऑयल के ड्रॉपलेट्स को एटमाइज़ किया, पिन होल के थ्रू अंडर द एग्जामिनेशन वो आ गया, हमने आयनाइज़ करने के लिए एक्सरेज दी. जैसे ही वो चार्ज आयनाइज़ किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया. पहले वो नीचे मूव कर रहा था, ग्रेविटी के अंडर ये फोर्स थी, और फिर जब वो उल्टा मूव करना शुरू कर देगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो फिर ये क्वेश्चन हमारे सामने आई. अब हमने करना क्या है नेक्स्ट, हमने बेसिकली ई फाइंड करना है. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दूँगा. वी वन इज़ इक्वल टू एम जी एंड वी टू इज़ वॉज इक्वल टू ई ई माइनस एम जी. इसको जब मैं ऊपर नीचे डिवाइड करूँगा वी वन ओवर वी टू को, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस. अब ये इक्वेशन है जिसके थ्रू आपने चीज़ों को जो सा है वो निकालना है. अब हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. वी वन, वी टू, एम जी, कैपिटल ई एंड फाइनल हमारा आंसर ई. वी वन वेलोसिटी है और वी टू भी वेलोसिटी है. ये कहाँ से निकलेगी, दिस विल बी कमिंग आउट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप. टेलीस्कोप की जो स्टडी हम कर रहे हैं, टेलीस्कोप साथ रखी हुई है, वहाँ से हमारे पास वी वन और वी टू की वैल्यू जो सी है वो निकल आएगी. जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये तो हमारे पास फिक्स होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. दिस इज़ अ फिक्स क्वांटिटी जो कि 9.8 होती है, ये तो हमें पता है. पीछे आ गया ई. ई है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने दोनों प्लेट्स के दरमियान दी हुई थी, तो ई की वैल्यू भी हमें पता होगी. अब पीछे बच गया हमारे पास मैस, ये कैसे आएगा. मैस हमारे पास इस इक्वेशन में इस तरह से आएगा कि ये जो ड्रॉपलेट था ये पहले नीचे आ रहा था एम जी के तहत, फिर मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो ई ई ने इसको ऊपर खींचना शुरू कर दिया. मैं ई की वैल्यू को इस तरीके से एडजस्ट करूँगा, उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करके एडजस्ट ऐसा करूँगा कि ये जो पार्टिकल है ये अब ना ऊपर जाए ना ही नीचे जाए, ना ऊपर
ना नीचे, बल्कि ये दरमियान में सस्पेंड हो जाए, आपके जो चैम्बर के दरमियान में जगह है वहाँ पे मैं इसको लटका दूँ। ये कैसे मुमकिन होता है? ये तब मुमकिन होता है जब ऊपर से खींचने वाली फ़ोर्स नीचे से खींचने वाली फ़ोर्स को कैंसिल आउट कर दे। तो नीचे वाली फ़ोर्स तो उसकी फ़िक्स है, को तो हम चेंज नहीं कर सकते। हम जो चीज़ चेंज कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से चेंज करूँगा कि आपका जो पार्टिकल है वो हवा में सस्पेंडेड हो जाए। जब अब सस्पेंडेड हो जाएगा ये, तो फिर आप डिफरेंट लॉज हैं जो कि आप अपनी फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे, जिसमें से स्टोक्स लॉ आता है, उसके थ्रू हमारे पास एम जी जो सा है वो एम निकल आएगा उसका मैस। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको सस्पेंड कर देंगे हवा के दरमियान में, तो आपके पास यहाँ से एम भी निकल आएगा। अब इस इक्वेशन में मौजूद सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, वी वन मौजूद है, वी टू मौजूद है, मैस हमने इस तरीके से निकाल लिया, जी हमें पता है और ई हमारे पास हमारे कंट्रोल में वैल्यू है तो ई भी हमें पता है। इस सारी चीज़ों को उठा के जब हम यहाँ पे डालेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है जिसके लिए हमने ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ जो और इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सपोज़ करें ऊपर से एक ड्रॉपलेट आ रहा था, सपोज़ दीज आर थ्री ड्रॉपलेट्स, आपने साइड वाली खिड़की से एक्सरेज दी, एक्सरेज ने क्या किया, अंदर वाली मौजूद गैस को आयनाइज कर दिया। अब ये पार्टिकल वन है, ये ड्रॉपलेट टू है और ये ड्रॉपलेट थ्री है। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट ड्रॉपलेट ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और इसके ऊपर माइनस वन एक चार्ज आ गया, सेकंड ड्रॉपलेट ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए और इसके ऊपर माइनस टू चार्ज आ गया, और इसने जो है वो थ्री इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके पास जो है वो थ्री टाइम्स चार्ज आ गया। अब एक ड्रॉपलेट के ऊपर डिफरेंट चार्ज है, दूसरे के ऊपर डिफरेंट और तीसरे के ऊपर जो है वो डिफरेंट चार्ज है। ये चीज़ जो है उसने स्टडी की कि हर ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज है वो डिफरेंट है, तो उसने कई सारे ड्रॉपलेट्स को, डिफरेंट ड्रॉपलेट्स को स्टडी किया और ये देखा कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज था स्मॉलेस्ट चार्ज वॉज केम आउट टू बी 1.59 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब स्मॉलेस्ट क्यों लिया, स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि वो वैल्यू जिसने सबसे छोटा चार्ज जिसके ऊपर होगा, और सबसे छोटा चार्ज उसी के ऊपर होगा जिसने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया होगा, ये वाला। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज चाहिए, तो सबसे छोटे वाले का जो है वो वैल्यू जो सी थी वो एक चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के होगी। जो बाकी वैल्यूज़ आई वो इसके या तो टू टाइम्स थी या थ्री टाइम्स थी या फोर टाइम्स थी, वो इसके मल्टीपल थे। इसका मतलब क्या था कि जिसने दो इलेक्ट्रॉन लिए उसकी वैल्यू इसके टू टाइम्स आ रही थी, और जिसने थ्री लिए थे उसकी वैल्यू इसके थ्री टाइम्स आ रही थी, लेकिन जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो ये थी और वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। अब आज जो मॉडर्न साइंस हमें उसकी वैल्यू बताती है, दैट इज़ 1.6022 × 10⁻¹⁹, और जो मिलिकन्स ने निकाली थी दैट इज़ 1.59 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। तो ये दोनों वैल्यूज़ आर क्वाइट क्लोज। इससे पता लगता है कि आपका जो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड है एक इंतहाई ईजी और समझ में आने वाला और बहुत ही आसान मेथड है, जिसके थ्रू आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये जो चार्ज था एक इलेक्ट्रॉन का, दिस वॉज द स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट वॉज एवर मेजर्ड। इन हिस्ट्री, क्योंकि इससे छोटा कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं है, और इसका चार्ज जो है सबसे छोटा चार्ज है, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज़ बीन मेजर्ड।
सो फार आज तक जितने भी चार्जेस छोटे से छोटे मेजर किए गए हैं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे हम देखें हमारी सिचुएशन क्या है कि हमने जे जे थॉम्सन के मेथड से फाइंड आउट की थी ई ओवर एम, और हमने अब मिलिकन के मेथड से फाइंड आउट कर लिया है ई। तो अब हमारे पास पीछे जो चीज़ रह गई है दैट इज़ एम। तो मास ऑफ चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अब हम फाइंड करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा जी आपके पास इसी फार्मूले से, ई ओवर एम, ई ओवर एम इज इक्वल टू 1.7588 इंटू 10^11 कूलम्स पर केजी। एंड E इज इक्वल टू, E आपने अभी मिलिकन के मेथड से निकाला है, दैट इज 1.6022 इंटू 10^-19 कूलम। यहाँ से हमारे पास मास निकलेगा। अब इस वैल्यू को उठा के अगर मैं इधर पुट कर दूँ तो मेरे पास M निकल आएगा। इसको मैं पुट करता हूँ 1.6022 इंटू 10^-19 कूलम्स डिवाइडेड बाय M इज इक्वल टू 1.7588 इंटू 10^11 कूलम्स पर केजी। इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, मैस इधर और वो वाली वैल्यू इधर, तो ये एम इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इट विल बी 1.6022 इंटू 10^-19 कूलम्स डिवाइडेड बाय 1.577588 इंटू 10^11 कूलम्स पर केजी। ये कूलम कूलम से कैंसिल हो जाएगा और पर केजी ऊपर आके इसका यूनिट बन जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 9.1 इंटू 10^-31 केजी। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमने निकाल लिया है 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम्स। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट जो सा है मास जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन का होता है। अब हम चलते हैं आगे अपने एक टेबल की तरफ जिसके अंदर क्या करेगा वो तमाम के तमाम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो हमें बता देगा, किस किस की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की एंड इलेक्ट्रॉन की। अब हम सबसे पहली जो चीज़ है वो है चार्ज। चार्ज हम देख लेते हैं कितना चार्ज है, जितना पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो ये निकलता है 1.602 इंटू 10^-19 कूलम, और ये है -1.602 इंटू 10^-19 कूलम। प्लस का मतलब है पॉजिटिव चार्ज और माइनस का मतलब है नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो हम इसको ज़ीरो जो है वो स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर रहा है रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज का मतलब है कि आप दोनों को अगर कंपेयर करें, इन दोनों को रिलेट करें एक दूसरे से, तो वैल्यूज़ तो सेम है, तो ये प्लस वन और ये माइनस वन और ये तो ज़ीरो का ज़ीरो। अब हम चलते हैं मास इन केजीज। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो आपने अभी निकाला 9.1 इंटू 10^-31 किलोग्राम। हम पीछे पढ़ के आए थे कि प्रोटॉन इज 118.36 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको 1836 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आता है 1.67 इंटू 10^-27 के जी। ये वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। अब अगर आप दोबारा से रिकॉल करें तो रदरफोर्ड ने कहा था कि जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उसने ये बात मेंशन की थी कि एटम के मास को अगर एक्सप्लेन करना है
तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी कोई एटम ऐसा कोई पार्टिकल ऐसा मौजूद होना चाहिए कि जिस पे चार्ज कोई ना हो और उसका मास प्रोटॉन के इक्वल हो। जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो इसका मास प्रोटॉन के इक्वल ही निकला था और वो सेम है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। तो हमारे पास देखें सिर्फ इन चीज़ों को फाइंड आउट करने से हमारे पास बाकी सारी चीज़ें भी जो हैं वो निकल आई हैं। और आखिरी जो चीज़ है दैट इज़ मास इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट्स के चक्कर में जब हम इसको एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का लिखेंगे तो दैट इज़ 1.0073, दैट इज़ 1.0087 एंड दिस इज़ 5.48 × 10⁻⁴ AMU। तो ये तो आपके पास इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होंगी वैल्यूज़, लेकिन जो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए दैट इज़ दिस एंड दिस, इनके मास इन केजीज एंड इनके चार्ज इन कूलम्स आपको जो है वो याद होने चाहिए। तो यहाँ तक जो चीज़ हमने देखी वो ये थी कि ई ओवर एम फाइंड आउट की, वहाँ से ई फिर एक और मेथड से ई फाइंड आउट किया और फिर वहाँ से एम फाइंड आउट किया और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास एंड चार्ज है वो हमें अब मालूम है। यहाँ तक आपके चैप्टर के अंदर हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो एक एटम, उसके पार्टिकल्स और पार्टिकल्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हमने ये देखी हैं कि उसकी मास कितना है, उसका चार्ज कितना है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, पार्टिकल्स की डिस्कवरी वगैरह। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर का हिस्सा था वो रिलेटेड था अबाउट द स्ट्रक्चर और उसकी डिस्कवरी। नेक्स्ट आता है अब एटम के ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करेगा। पहले हम सारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ रहे थे कि एटम के अंदर क्या क्या है, अभी तक हमने उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे थे, अब हम देखेंगे उसका नेक्स्ट टॉपिक में स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर फिर आएंगे डिफरेंट मॉडल्स। तो ये हमारा आज का जो था, यहाँ तक हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिया है सारे टॉपिक्स मिला के। नेक्स्ट टाइम हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से एटम के स्ट्रक्चर की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।